साथियों, इस बजट में जय किसान के साथ साथ जय जवान के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू तो डोगरा परंपरा शौर्य की भूमि है। मैं जम्मू कश्मीर के हजारों फौजी परिवारों को बधाई देता हूं, क्योंकि देश का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, देश इस बात का भी साक्षी रहा है कि कैसे 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था। नियत में क्या अंतर होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आंकड़ा मार दिया था बजट में 500 करोड़ का, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना झूठ बोलते थे, 500 करोड़ में घोषणाएं करते थे, जरूरत थी 35,000 करोड़ की, लेकिन सेना के जवान को आंख में भी धूल झोंकने में उनको कोई शर्म नहीं आई। इसमें भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का तो एरियर ही है जो देश भर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुंच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, हमारा सेंट्रल फोर्सेस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी देश और शांति के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मैं शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद औरंगजेब, इम्तियाज अहमद मीर जैसे अनेक बहादुर साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोलीबारी का सामना कर रहे परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। साथियों, जम्मू कश्मीर में हर घर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ पर्याप्त बिजली देने की कोशिश भी की जा रही है। लेह लद्दाख, कारगिल हो, जम्मू हो या फिर अब श्रीनगर, तीनों जगहों पर आज बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन से जुड़े अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही दिन में करने का मुझे मौका मिला है। यहां की बिजली जरूरतों को देखते हुए आजादी के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि पहले जो भारत के हक का पानी बेकार में बह जाता था, उसकी एक एक बूंद का उपयोग जम्मू कश्मीर के हित में किया जाए। इसी सोच के साथ अनेक पावर प्रोजेक्ट्स यहां शुरू किए गए। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का परिणाम है। सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य, मूल सुविधाओं के निर्माण में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जम्मू और पुलवामा में बनने वाले 2 एम्स का आज ही शिलान्यास किया गया है। इन दोनों संस्थानों से राज्य के स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथियों, हम आधुनिक अस्पताल तो बना ही रहे हैं,
दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत पीएम जय भी चला रहे हैं। देश के इतिहास में इतनी बड़ी हेल्थ केयर स्कीम गरीबों के लिए पहले कभी नहीं बनी। इस योजना के तहत गरीबों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब बहन भाई इसके दायरे में हैं, जिसमें से 30 लाख लाभार्थी जम्मू कश्मीर के ही हैं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना की वजह से अब तक देश में 10 लाख से अधिक गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। अभी तो इस योजना को 100 दिन अभी अभी पूरे हुए हैं, इतने कम समय में 10 लाख लोगों के मेजर सर्जरी, उनकी मुसीबत के में से एक प्रकार से जो दो दो तीन तीन साल से मौत का इंतजार कर रहे थे, उनको आज एक नई जिंदगी मिली। इस योजना के तहत एवरेज हर दिन 10,000 से अधिक हमारे गरीब परिवार के भाई बहन मुफ्त इलाज पा रहे हैं, और ये 50 करोड़ लोग, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोगों के लिए हमारी आयुष्मान भारत योजना है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम है। साथियों, आयुष्मान भारत जैसी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लाभार्थी देश में कहीं भी इस योजना का लाभ ले सकता है। मान लीजिए आप यहां से मुंबई गए और कुछ बीमारी आ गई, आप इस यहां पर अगर रजिस्टर हैं तो मुंबई के अस्पताल में भी आप तुरंत बिना खर्च किए लाभ ले सकते हैं। मुंबई का कोई व्यक्ति यहां श्रीनगर के अंदर घूमने फिरने आया है, कुछ मुसीबत आई, वो यहां फायदा ले सकता है। सरकार सारी व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था बनाई हुई, संसाधनों की साझेदारी की यही शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नमस्कार, मैं विजय कुमार MN कॉलेज विसनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। सर, जब से बजट आया है मैं चारों ओर किसानों के बारे में जो योजना लागू की गई है उसकी चर्चा सुन रहा हूँ। वाकई में कोई सोच नहीं सकता कि किसानों के बारे में इतनी बड़ी योजना लागू की जाएगी। और सर, मैंने ये भी सुना है कि आपने पश्चिम बंगाल में यह कहा कि अगले 10 सालों में सरकार किसानों के लिए 7,50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सरकार इतने पैसे लाएगी कहाँ से? धन्यवाद। आप विरोध पक्ष की अखबार पढ़ते लगते हैं। खैर, आप मेरे गांव के पड़ोसी हैं, मेरा गांव वडनगर है, आप विसनगर के हैं, बिल्कुल बगल में ही हम दोनों का गांव है, वहीं से आप बोल रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं श्रीनगर से अपने गांव को भी याद ताजा कर रहा हूं। अभी ये बात सही है कि जिस इलाके से आप हैं वहां किसानों को बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत किल्लत है, एक प्रकार से सूखा इलाका है, और वहीं से आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं वहां से पैदा वहीं हुआ हूं, तो मुझे पता है बहुत दिक्कत वाली वो जगह है। देखिए, हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य यह है, भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। अब फायदा यह है कि रुपया निकलता है पूरा 100 पैसा पहुंचता है। सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा, जब आप पाई पाई का सही उपयोग करते हैं तो जो टैक्स पेयर होते हैं उसको भी ईमानदारी से टैक्स पे करने का मन करता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे पैसों का सही उपयोग होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने देश के लोगों को कहा कि आपको गैस की सब्सिडी की जरूरत नहीं तो छोड़ दीजिए ना, कोई कानून नहीं बनाया था, रिक्वेस्ट की थी, और मेरे देश के 1.25 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। उसका परिणाम है कि 1.25 करोड़ गरीबों को गैस पहुंच गया। अब काम हो गया, इतनी ताकत है। मैंने अभी रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को
रेलवे टिकट में कंसेशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है। तो ऐसे ही मैंने कहा फॉर्म में लिखो तो सही कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं। कोई अपील नहीं की, मैंने कभी भी अपील नहीं की है, किसी अखबार में भी नहीं छपा है। अगर फॉर्म भर करके मैंने देखा, इस देश में 42 लाख ऐसे पैसेंजर निकले जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी, रेलवे को पूरा पैसा दिया, अपना हक छोड़ दिया। पैसे ऐसे आते हैं, अगर एक बार ईमानदारी का माहौल बनता है तो लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। पैसों के कारण कोई रुकावट कभी नहीं आती है। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि देश बहुत तेजी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक रहस्य बता दूं, ये आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे। पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करते थे, फिर मैं आया तो मैं भी उनको छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि साहब आज आप भाषण करने जा रहे हो, आप बताओ हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। 2 साल पहले सुब्रमण्यम ने मुझे बताया था, वो विचार मेरे मन में रहा और आज मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के रहेगा, हमारे आंखों के सामने बन के रहेगा। और इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं होती है, सही इस्तेमाल। और आपने सही कहा, आने वाले 10 साल में जो हमने जो कल योजना इस बजट में की है, किसानों को 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया उनके जेब में जाएगा, वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत वाला बन जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस योजना से देश का किसान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।